गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज नंबर 10.4 सम नंबर 6। सम नंबर 6 है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में जो है 20 मीटर का पार्क सिचुएटेड है। थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो पार्क की बाउंड्री पर तीन बॉय जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। सभी के हाथ में जो है टॉय टेलीफोन फोन है एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमको जो है फोन के तार की लेंथ जो है वो ढूंढना है, बराबर ना। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे एक सर्कल बनाएंगे, बराबर। मैं यहाँ रफ बना रही हूँ, आप कंपास की मदद से बनाना। ये हमने इस तरह से एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर हमने डिनोट कर लिया अंकुर सैयद और डेविड, बराबर। अब जो है ए से एच मैच करो, एच से डी मैच करो और अगेन जो है डी से ए मैच करो, बराबर। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, बराबर बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें एक मीडियन बना लेते हैं, बराबर। और मीडियन क्या करेगी, मीडियन जो है ये एस डी को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी, बराबर ना। यानी एस बी और बी डी का जो सम आएगा वो टोटल एक एस डी के सम के बराबर होगा, बराबर ना। अब यहाँ पर ए एस जो है वो एस डी के बराबर है, बराबर ना। पर मैंने ये मीडियन बनाई, तो इस मीडियन बनाने की वजह से क्या हुआ कि ये एस डी जो है वो दो हिस्सों में टूटा, बराबर, एस बी और बी डी। तो मैं ये दो हिस्से ना बताऊँ, मैं एस बी इक्वल टू बी डी ना बताऊँ और सीधा मैं टू एस बी लिखूँ तो भी चलता है, बराबर। मैं ऐसा बता दूँ कि ए एस इक्वल टू टू बी एस, बराबर, बी एस के बराबर है, टू बी एस के बराबर है तो भी चलेगा, है ना। तो मैंने यहाँ सेम यही चीज़ करी है, देखो ए एस इक्वल टू एस टी, बराबर ना। अच्छा, अब दूसरी बात, पहले ये जो मैंने मीडियन बनाई बेटा, ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट है, बराबर ना, और ये जो है हमारा रेडियस है, रेडियस हमारा 20 आपको पता है, बराबर ना। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि पार्क का रेडियस 20 है, तो ए से ओ जो है वो रेडियस है और उसकी वैल्यू 20 है, बराबर ना। और ओ से बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, बराबर। अब ये जो मैंने मीडियन बनाई वो क्या करेगी, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम मीडियन बनाते हैं, बराबर, द सेंट्रॉइड इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइडेड मीडियन इंटू 2:1, बराबर ना। ये 2:1 में जो है ये मीडियन को बांट देती है, बराबर ना, 2:1 में जो है ये डिवाइड हो जाती है, बराबर। तो आपको ये बताना कि सेंट्रोइड डिवाइडेड मीडियन इन दिस रेशियो, बराबर ना। कभी आपसे ऐसा, आपको ऐसा होगा कि मैम ये 2:1 कैसे आया, तो भाई ये एक थ्योरम ही है और इस थ्योरम के हिसाब से जो है मीडियन किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करेगी, बराबर ना। तो देखो, अब मैंने लिखा ए एस इक्वल टू एस टी, बराबर, तो ए एस इक्वल टू टू बी एस, बराबर। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि मैं एस बी इक्वल टू बी डी ना बताकर टू एस एस बी भी बता सकती हूँ, बराबर ना। तो मैंने बता दिया ए एस इक्वल टू टू बी एस, बराबर ना। अब ये जो टू है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ए एस डिवाइडेड टू अपॉन में ए इक्वल टू बी एस, तो ये जो मेरी इक्वेशन वन बनी, ए एस डिवाइडेड टू इक्वल टू बी एस, ये हमारी इक्वेशन वन बनी, बराबर ना। अब देखो, अब आपको पता है कि ए ओ और ओ बी ये हमारे पास मीडियन मीडियन ने जो डिवाइड करे तो हमारे पास ये रेशियो आए, बराबर ना। और ए ओ जो है वो टू है और ओ बी जो है वो वन है, बराबर ना। तो मैं लिखूँगी ए ओ अपॉन में ओ बी, ए ओ जो है वो टू है, ओ बी जो है वो वन है, बराबर ना। इसका रीज़न देना है सेंट्रोइड डिवाइडेड मीडियन इन दिस रेशियो, बराबर ना। सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को इस रेशियो में डिवाइड करेगी, बराबर। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है हमें पता है कि हमारा
रेडियस ओ ए जो है वो 20 है और ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ओ ए जो है उसकी वैल्यू हमको पता है 20 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2 ओ बी आ जाएगा, बराबर ना। अब ये जो है अगेन डिवाइड में चला जाता है, तो 20 अपॉन में 2, तो 2 वन ज़ा 2, 2 टेन ज़ा 20, तो ओ बी की वैल्यू जो हमें मिली वो 10 मिली, बराबर ना। तो ओ ए की वैल्यू जो है वो 20 हमें पहले से पता थी, ओ बी की वैल्यू 10 मिली, बराबर। अब मुझे पूरी ए बी की वैल्यू, इसमें पूरी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी भाई, ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, तो ए बी जो है वो मुझे 30 मिला, बराबर ना। और अब जो है हम ये फिगर ध्यान से देखें तो हमें पता पड़ती है कि यहाँ पर जो है हमारे पास 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, आपको पता है, बराबर ना। तो ए बी एस में, ट्राइंगल ए बी एस में मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी बड़ी साइड जो है वो कोई भी दो छोटी साइड के सम के इक्वल होती है, बराबर ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ट्राइंगल ए बी एस में यूज़ करेंगे तो क्या होगा भाई, ए एस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, बराबर। हमारे पास जितनी जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू हम रखेंगे, ए एस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है वो हमको पता नहीं है, ए बी जो है हमको अभी कितना मिला 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी एस जो है वो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया था, बराबर ना। तो बी एस जो है हम उसमें क्या रखेंगे, ए एस अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, बराबर ना। तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर निकाले तो क्या मिलेगा, 900 प्लस ए एस स्क्वायर अपॉन में 4, बराबर ना। ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 टू ज़ा 4 और ये ए एस स्क्वायर, बराबर ना। अब क्या करेंगे, ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900, सॉरी ये रिपीट हो गई बेटा मेरे से लाइन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, बराबर ना। तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम क्या आया, 4 आया, ए स्क्वायर यहाँ पे रखो, बराबर। अब जो है ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आया, 3600 प्लस ए स्क्वायर, बराबर ना। अब ये ए स्क्वायर जो है देखो यहाँ पे मैंने करा हुआ है, बराबर ना, ए स्क्वायर 3600 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 4, बराबर ना। अब ये 4 जो है वो यहाँ चला जाता है, तो 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस ए स्क्वायर, बराबर ना। ये अगेन यहाँ पे चला जाएगा भाई, बराबर ना। तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 3 ए स्क्वायर, बराबर ना। तो 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3600 अपॉन में 3 लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास 1200 आंसर आता है, बराबर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1200। अब इसको अंडर रूट में से निकालने के लिए हमको इसके फैक्टर पता करने पड़ेंगे, तो फैक्टर ऑलरेडी मैंने निकाले हुए, तो 2 × 2 × 3 × 10 × 10, बराबर। तो ये 2 और ये 10 की जो है वो जोड़ी बनती है, तो 2 × 10 अंडर रूट 3, तो ये जो है 2 × 10 = 20 अंडर रूट 3। तो हमारे जो स्ट्रिंग की लंबाई है, बराबर, ये स्ट्रिंग की लंबाई है वो कितनी आई, 20 अंडर रूट 3, सब दूर जो है 20 अंडर रूट 3 आई, बराबर ना। तो इस तरह से ये सब हमारे यहाँ पर पूरा होता है, बराबर। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है हमको, बराबर ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके जो है हम ये हमारी आंसर निकाल लेते हैं, और आंसर हमारा आया 20 अंडर रूट 3।